दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपको सभी को मैसेज ये रिप्लाई में अलग अलग देगा, अगर आपको कोई हेलो मैसेज करता है तो आप हेलो के बदले में उसको अलग रिप्लाई दे सकते हैं। कोई आपको हाय मैसेज करे तो उसको हाय के बदले में आप अलग रिप्लाई दे सकते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा। कोई गुड मॉर्निंग लिखेगा तो गुड मॉर्निंग के बदले में आप उसको कुछ और रिप्लाई दे सकते हैं। कोई गुड नाइट लिखेगा तो गुड नाइट के बदले में उसको कुछ अलग रिप्लाई दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपके व्हाट्सएप पे 10 आदमी 10 तरह का मैसेज करता है तो आपके मोबाइल 10 आदमी को 100 आदमी को अलग अलग रिप्लाई देगा। जो आपने सेट कीजिएगा उसी के हिसाब से देगा। अगर आप गुड मॉर्निंग भी सेट कीजिएगा तो गुड मॉर्निंग के बदले में गुड मॉर्निंग ही उनको जाएगा और उनको लगेगा कि ये वो रिप्लाई देगी, लेकिन ये ऑटोमेटिक रिप्लाई होगा। तो कैसे कर पाएंगे ये सेटिंग और क्या है इस एप्लीकेशन का नाम, कैसे काम करते हैं, पूरी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को उस करते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चले आया हूँ और आपको भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने फ़ोन को प्ले स्टोर को ओपन कर रखा है और यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है व्हाट्स ऑटो ये वाला एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। व्हाट्स ऑटो रिप्लाई ऐप, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है आपको प्ले स्टोर से, और लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑटो रिप्लाई ऑफ। ऑटो रिप्लाई का जो सिस्टम है ये अभी ऑफ है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको इसके अलावा कोई भी व्हाट्सअप आपके मोबाइल में होना चाहिए, चाहे बिजनेस व्हाट्सअप हो या व्हाट्सअप हो, किसी प्रकार का व्हाट्सअप होना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक व्हाट्सअप है, जब व्हाट्सअप रहेगा तभी ये आप ऑटो के द्वारा आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में व्हाट्सअप इंस्टॉल है, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑटो रिप्लाई जो सिस्टम है वो अभी ऑफ, इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन किए तो अब हमारी फ़ोन में जो जो भी व्हाट्सअप है उसका, ठीक है, तो इसको ऑन कर दिया। अब जो मेरे फ़ोन में जो व्हाट्सअप है, अगर दो व्हाट्सअप है, दोनों में ऑटोमेटिक रिप्लाई का मतलब ऑप्शन जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो अभी दिख रहा है जो ऑटो रिप्लाई देगा वो अभी ये बल देगा। ठीक है, अभी जो रिप्लाई देगा ये देगा। अब इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते, इसको हटा दीजिए, इसको आप लिख दीजिए जो भी लिखना चाहे अपने हिसाब से, यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आप ऑटो रिप्लाई देना चाहे, तो ये जो रिप्लाई है ये सभी के लिए एक ही रहेगा और मैं आगे बताऊंगा सभी को अलग अलग किस तरह रिप्लाई देते हैं। तो ये मैंने रिप्लाई का एक मैसेज लिख दिया और यहाँ पे कस्टम रिप्लाई में आप इंटर करके ये लिख सकते हैं और यहाँ पे वेलकम रिप्लाई है, वेलकम मैसेज है और यहाँ पे आपको सेंड रीड है। तो इसको आपको सेंड शीट को कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मैसेज लिखना है सभी के लिए वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसमें टिक मार्का नहीं लगाना, अगर इसमें आप टिक मार्का लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी इतना ही लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी दिए जाते हैं जो कि रिप्लाई के लिए आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एक ऑप्शन आप रिप्लाई दे सकते हैं, यहाँ आप खुद से मनपसंद लिख सकते हैं और यहाँ भी कुछ इनके द्वारा दिया रहता है वो भी आप इनको सेलेक्ट कर दे सकते हैं। तो मैंने जैसे इनको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये हो गया एक्टिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो रिप्लाई की साइड में एक फ़ोन है, फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके मदद से आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पे रिप्लाई दे सकते हैं। तो मेरा ये लाल दिखा रहा है क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर रखा, मैंने ओनली व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए ऐप नॉट इंस्टॉलेड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बैक आ देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चेंज, उसके बाद यहाँ पर एक मैसेजर का बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैसेजर का बॉक्स आइकन है मैसेजर का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ रहेगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। कस्टमर रिप्लाई ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है इनकमिंग कीवर्ड मतलब अगर आगे से आपको कोई ही लिखता है तो आगे से अगर कोई आपको ही लिखेगा तो उसके बदले में आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं वो आपको रिप्लाई मैसेज में लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है और
कोई हमें अगर ही मैसेज करेगा मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन रहूँगा, तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस आइकन को, इस वाले बटन को इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ देखिए वन एक ऐड हो गया, ही कोई भेजेगा हमें तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा हेलो। उसके फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे कीवर्ड को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर कोई उधर से हेलो लिखेगा हमें तो मैं इधर से रिप्लाई अलग दे सकता हूँ सभी इस टाइप का। अगर कोई हेलो अगर उधर से मैसेज करेगा तो उसको हेलो जी रिप्लाई जाएगा इस तरह। उसको इसको भी हम सेट कर लेते हैं, ये दो सेट हो गए। इसी तरह आप जितना भी सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनकमिंग कॉल, आने वाले कॉल, मैं हाई लिख दिया, इसमें भी मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने तीन मैसेज लिख चुका हूँ, एक हाई, हेलो, ही। अब अगर कोई हमें ही मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई में हेलो जाएगा, अगर कोई हेलो मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई में ऑटोमेटिक हेलो जी जाएगा, कोई हाई मैसेज करेगा उसको ऑटोमेटिक हाई जाएगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर। चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी को मैसेज जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप कुछ इसको आप डिलीट करना चाहें तो इसको आप ऐसे करेंगे, इस तरह इधर कर देंगे, जिसको डिलीट करना इस तरह ऐसे इधर कर देंगे, ठीक है। अब एक बचा, अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो रिप्लाई देगा किनको देगा, उनके लिए कॉन्टेक्ट पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एवरीवन, यानी सभी को आपको रिप्लाई ये देंगे, ये जो आपके मोबाइल में जो नंबर सेव उसी को देंगे। किसको देना चाहिए, एवरीवन अगर सेलेक्ट करेंगे तो सभी को, जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव हो या ना हो, ये सभी को रिप्लाई देगा देगा। तो आप ऊपर वाले में एवरी वन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसी खास को अगर आप रिप्लाई देंगे तो यहाँ पे उसका लिस्ट रहेगा। और मैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, तो ऐड आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, प्रचार आ गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये तीर वाले, ये इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किसी से आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते, चाहे उनका नंबर आप नहीं भी सेव करेंगे फिर भी आप उसका व्हाट्सएप पे कर सकते, ठीक है। इस तरह उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप जो मैसेज लिखेंगे वो लिख देंगे, ठीक है। बिना नंबर सेव किया व्हाट्सएप, अगर आपके यहाँ दो ऑप्शन है, व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं आप या व्हाट्सएप, तो जो भी यूज कर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे मैं बिजनेस। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए एक सेकेंड में ये व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट कर दिया बिना नंबर सेव किए उनको। अब यहाँ से मैं ही भी लिखा चले आया जो मैंने लिखा था, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो मैसेज उनको चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनकी, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि ये कितने आदमी को, किन किन आदमी को ऑटोमेटिक रिप्लाई दिया है। यहाँ पे नो न्यू नोटिफिकेशन, जब इसको ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल जितना भी आदमी को ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिमूव ऑटो रिप्लाई, रिमूव, इसको आपको टिक मार का नहीं लगाइएगा। टिक मार का लगाने से और नहीं लगाने से क्या अंतर होता है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसके लिए व्हाट्सएप पे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उस ऑप्शन को हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए आगे से हाई मैसेज आया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लाई दे दिया हेलो वेलकम, तो उसके ऊपर लिखा है ऑटो रिप्लाई, ठीक है। अगर कोई आपको हाई मैसेज करेगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा हाय वेलकम, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है ऑटो रिप्लाई, ठीक। इसको भी आप हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए फिर से आपको उसी एप्लीकेशन में जाना होगा। उस एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव ऑटो रिप्लाई, इसको टिक लगा दिया। अब जो कोई मुझे मैसेज करेगा उसको मैसेज के साथ ये ऑटो रिप्लाई का नहीं जाएगा मैसेज, सिर्फ जो मैंने रिप्लाई का मैसेज टाइप किया तो वही जाएगा, ऑटो रिप्लाई का ये नहीं जाएगा। इसलिए आप इस ऑप्शन में टिक मार का लगा दें। और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि एक को मैंने अभी ये नोटिफिकेशन दिया तो इस पर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे क्या नोटिफिकेशन दिया ये आपको व्हाट्सएप पर ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का ये नॉलेजफुल जानकारी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप तो यहाँ पे आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे काम की वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, APS के बारे में, बैंकिंग के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, सभी तरह के बारे में हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाते रहते हैं, आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए ये सब वीडियो को आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ। तो चलिए ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।